हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल यार। और आज हम बात करेंगे मोटोरोला के अपना अपकमिंग नया स्मार्टफोन मोटोरोला वन हाइपर, जिसे मोटोरोला कंपनी ने अपना यूरोप और अमेरिका देशों में लॉन्च कर दिया है, जो कि मोटोरोला का एक प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन है। मोटोरोला अपना वन हाइपर कब लॉन्च करेंगे इंडिया में ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ट्विटर पे उनका बहुत ही जल्दी एक पेज आया है जिस पे लिखा गया है कमिंग सून टू इंडिया। तो चलिए देखते हैं मोटोरोला इस बार क्या खास करने वाला और इस बार मोटोरोला हमें क्या खास दे सकता है वो मोटोरोला वन हाइपर में। तो चलिए देखते हैं मोटोरोला में क्या है। तो नेटवर्क की बात करें तो इसमें हमें डुअल 4G सिम कार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि डुअल वोल्टेज सपोर्ट करते होंगे। और इसमें आपको बेहतर 4G LTE बैंड देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप नेटवर्क ज़्यादा फास्ट और सर्फ अच्छे से कर सको। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसमें हमें 210 ग्राम का वजन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही स्लिम मोबाइल होने वाला है। अगर हम इसकी सिम की बात करें तो इसमें हमें सिंगल सिम देखने को मिलेगी, जिसमें हम हाइब्रिड डुअल सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आप एक सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड लगाइए या फिर आप दोनों ही सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहें तो आप इसको 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 मतलब कि क्यू देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंदर आता है। मतलब ये आपको 2 साल तक की OS अपडेट और 3 साल तक की मंथली सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे, और आपको जो भी अपडेट मिलेंगे वो खुद गूगल आपको प्रोवाइड करेगा, ना कि मोटोरोला। अगर इस स्मार्टफोन के सबसे मेन फीचर की बात करें तो जो कि इसका प्रोसेसर, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर पे बेस है, जिसमें हमें CPU ऑक्टाकोर देखने को मिलेगा, जो कि 2.2 GHz पे होगा, और इसके 6 कोर 1.7 कोर पे होगी। और अगर हम इसके GPU की बात करें तो इसमें हमें एकदम बेस्ट GPU देखने को मिलेगा, जो कि होगा एंड्रोनो 612। स्नैपड्रैगन 675 ये बहुत ही माना जाना और पावरफुल प्रोसेसर, जिसमें आप PUBG अलग अलग गेम बहुत अच्छी क्वालिटी में भी खेल सकते हैं। अगर हम रैम की बात करें तो इसमें हमें 6 GB की रैम देखने को मिलेंगी, जो कि 128 GB इंटरनल स्टोरेज पे बेस होगा। और इसके अन्य वेरिएंट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी तक यूरोपियन कंट्री में सिर्फ एक ही वेरिएंट में ये लॉन्च किया गया है, जो कि है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। अगर हम लीक के हिसाब से चले तो इसमें हमें 4 GB रैम का भी वेरिएंट देखने को मिलेगा, और जिसमें हमें स्टोरेज 128 GB ही देखने को मिलेगी। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें IPS LCD कैपेसिटी टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसकी साइज होगी 6.5 इंच। खास हमें यहाँ पे मोटोरोला हमें AMOLED स्क्रीन देता। अगर हम डिस्प्ले डेंसिटी की बात करते हैं, इसमें हमें 396 की डेंसिटी देखने को मिलेगी, और ये हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें तो इसमें हमें कैमरे में 64 MP देखने को मिलेंगे, जो कि अपर्चर 1.8 कैमरा होगा, जो कि वाइड कैमरा होगा। हमें फर्स्ट टाइम किसी मोटोरोला के मोबाइल में 64 का कैमरा देखने मिल रहा है। और हम सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही इसके नीचे ही हमें LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। और इसके कैमरे में आप 4K में 30 FPS पे भी वीडियो बना सकते हैं। अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो इसमें हमें 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि होगा अपर्चर 2.0 के साथ ही। और ये मोटोरोला का फर्स्ट मोटोराइज पॉपअप कैमरा होगा, मतलब कि आपने F1 Pro V70 Pro को देखा ही होगा, जिसमें कैमरा बाहर निकलता है डिस्प्ले से, वैसे कैमरा इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और आप सेल्फी के कैमरे में 30 FPS पे भी वीडियो बना सकते हैं फुल HD में। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो इसमें हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलेगा, साथ ही हमें इसके साइड में ही होम बटन भी देखने को मिलेगा। और इसके हम ऊपर की बात करें तो इसमें हमें 3mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ हमें USB Type-C वाला चार्जर भी देखने को मिलेगा। अगर मैं मोटोरोला वन हाइपर की बात करूँ तो इसमें हमें कॉमन फीचर देखूँ तो इसमें हमें वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन 5.0 NFC USB 2.0 Type-C वाला देखने को मिलेगा, और इसमें हमें सेंसर भी देखने को मिलेगा, और इसकी फिंगरप्रिंट हमें बैक में ही देखने को मिलेगा। अगर मोटोरोला इसमें हमें इन डिस्प्ले कैमरा दे देता तो ज़्यादा बेहतर होता, और वो साथ में ही हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देता तो ज़्यादा बेहतर होता, सिवाय उन्होंने हमें बैक में दिया है। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसमें हमें 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही मोटोरोला ने हमें 45V का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया है, लेकिन उसमें हमें चार्जर देखने को नहीं मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, हमें 48 का चार्जर हमें बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। अगर मैं इस मोबाइल के कलर वेरिएंट की बात करूँ तो इसमें हमें फ्रेश ऑर्चिड डीप ब्लू सी और हमें डार्क अंबर कलर देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको ऑर्चिड ब्लू और अंबर कलर ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं अमेरिकन प्राइस की बात करूँ तो इसकी कीमत
$399 रखी गई है। मतलब कि भारत की अगर हिसाब से बात करें तो इसकी मोबाइल लगभग कीमत 30,000 के आसपास देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मोटरोला इतना महंगा मोबाइल भारत में लॉन्च करते तो ये ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी देखते हैं मोटरोला अभी इसके क्या प्राइस रखता है, कैसे रखता है और कब तक भारत में आएगा। अगर एक अनुमान की बात करें तो ये हमें Q1 में देखने को मिल सकता है 2020 में। मोटोरोला भारत में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर ये अपने थोड़ा सुधार दे क्वालिटी को तो बहुत ही अच्छा काम होगा। और ये ज़्यादा ओवर प्राइस ना रखते हुए अगर कम प्राइस में ही मोबाइल लॉन्च करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रियलमी शाओमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मार्केट में। और सैमसंग की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको टक्कर देने के लिए मोटोरोला को थोड़ा कम प्राइस में ही ये मोबाइल लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि इसके फीचर और बहुत अलग अलग दिए गए इसलिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। और मैं ऐसा वीडियो बनाते रहता हूँ इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।